नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीबीए में। आज का हमारा टॉपिक होगा भारत की जनगणना, सेंसस ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आपका ज्योग्राफी में डेमोग्राफी के अंतर्गत कवर होता है और हमारे इस टॉपिक में जनगणना का मुख्य उद्देश्य रहेगा भारत की जनगणना और मध्य प्रदेश की जनगणना। ओके, तो एमपीपीएससी का हमेशा से ये बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है, तो इसमें हम सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे जनगणना के, जिससे भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सेंसस 2011 की जनगणना 1872 के बाद 15वीं जनगणना थी। 2011 में ये जनगणना दो फेज़ में कवर हुई। पहला फेज़ था कि घरों की लिस्टिंग करना और कितने घर हैं इस बात की जानकारी कलेक्ट करना। ये काम पूरा हुआ अप्रैल से सितंबर 2010 के बीच, और मध्य प्रदेश में ये मई से जून 2010। तो ये अप्रैल से सितंबर भारत में, पूरे भारत में ये काम हुआ, मध्य प्रदेश में मई से जून 2010 के बीच। सेकेंड फेज़ में हर एक घर में जाकर वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में डेटा कलेक्ट करना। तो ये काम जो पूरा हुआ वो फरवरी 2011 तक पूरा हो गया। प्री सेंसस एक्टिविटीज़। किसी भी जनगणना के पहले कुछ एक कैलकुलेशन होते हैं, जनगणना किस तरीके से होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कौन कौन सी रहेंगी इस बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ये है भारत की और यह है मध्य प्रदेश की। भारत में 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की जनगणना पूरी हुई। मध्य प्रदेश में चूँकि खुद एक राज्य है तो ये 10 संभागों में बटा हुआ है, तो 10 डिवीज़न में जनगणना हुई। कितने डिस्ट्रिक्ट भारत में कवर हुए? तकरीबन 640 डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश में कितने ज़िले उस समय थे जब ये जनगणना कंप्लीट हुई? 50 ज़िले थे। ओके, ये बाकी का डेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो पुरुष हैं वो पर्सन, देन मेल एंड देन फीमेल। तो पर्सन इतने थे टोटल, मेल इतने और फीमेल इतने, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश को लेकर अभी जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पेपर में अगर पूछेगा तो वो पर्सन नहीं पूछेगा, वो मेल और फीमेल पूछ सकता है। तो मेल और फीमेल को कैसे याद रखेंगे? तो मेल्स और फीमेल ये 3-3 तो हमें याद रहेगा, क्योंकि तकरीबन 7 करोड़ के आसपास, 7.25 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है भारत मध्य प्रदेश की। तो इसके लिए हम आखिरी के 3 नंबर्स देखते हैं। मेल में 370, 7 3 10 होता है, तो मेल से याद रखना 7 3 10, तो 370 लास्ट में आपको जो भी ऑप्शन आएगा उसमें 370 मिलेगा। और औरतों के लिए कंटिन्यूटी मिलेगी 4 5 6, तो 6 4 5। ओके, तो देखो 6 4 5, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। तो फीमेल का ऑप्शन आपको लास्ट में एक कंटिन्यूटी में मिलेगा, ऐसे याद रखना है। और मेल के लिए लास्ट में 0 आ रहा है, तो 7 3 10। और वैसे भी लड़के हर काम में 0 होते हैं, तो लास्ट में पुरुष 0। डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जो ज़िला रहा है वो है इंदौर, और फिर उसके बाद इंदौर के बाद जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम जहाँ की जनगणना है मध्य प्रदेश में, तो वो ज़िला है हरदा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रखना कि हरदा में सभी को हृदय की बीमारी हो गई तो सब मरने लगे, तो वहाँ की पॉपुलेशन सबसे कम बची। उसके बाद हरदा के बाद उमरिया, तो वहाँ पर लोगों की उम्र ख़त्म हो गई तो लोग मर गए, इसलिए पॉपुलेशन कम हो गई। तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा किस ज़िले की जनसंख्या है? इंदौर की। इंदौर की क्यों है? क्योंकि आप देखो मध्य प्रदेश में जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो धीरे धीरे इंदौर की तरफ सेटल हो रहे हैं, साथ ही साथ जो रोज़गार है वो इंदौर में ज़्यादा है। सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सारे इंजीनियर पैदा हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, और इंजीनियरिंग करने के बाद जाते कहाँ? इंदौर या फिर मध्य प्रदेश के बाहर। तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ज़िले में इंदौर की, फिर उसके बाद जबलपुर की। ठीक है,
और सबसे कम हृदय से हरदा और उमरिया। मध्य प्रदेश की जनसंख्या कई देशों से अधिक जनसंख्या लिए हुए है, जैसे कि थाईलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, म्यांमार और साउथ अफ्रीका। ये ऐसा आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा नहीं जाएगा, पर चूँकि हम इसे पढ़ रहे हैं तो थोड़े से साइड के डेटाज हम लेकर चलते हैं। तो मध्य प्रदेश अकेले राज्य की जनगणना फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम से ज़्यादा है। हमारे राज्य की जो जनसंख्या है वो ईरान, टर्की और जर्मनी से थोड़ी सी कम है। यहाँ पर आप ये डेटा देख रहे होंगे। देन इंक्रीज पॉपुलेशन, फाइन ये काम का नहीं है। द पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश इज़ हायर देन द कम्बाइंड पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। अगर हम पूरे ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान की जनगणना को मिला लेते हैं, जनसंख्या को मिला लेते हैं, तो भी मध्य प्रदेश की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान की जनसंख्या से ज़्यादा है। तो आप एज्यूम कर पा रहे हैं ना कि सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य अपने आप में कितने लोगों को समेटे हुए है। फाइन, टॉप फाइव एंड बॉटम फाइव स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज बाय ग्रोथ रेट। अब बात आती है कि ग्रोथ रेट क्या होता है। ग्रोथ रेट का मतलब है कि इसके पहले जो जनगणना हुई थी वो 2001 में हुई थी और अगली जनगणना 2011 में हो रही है। तो जो ग्रोथ रेट है पिछले 10 सालों में वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिली, तो जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिली टॉप फाइव, उसमें सबसे ज़्यादा है मेघालय। इसे कैसे याद रखोगे, तो भारत में मेघ सबसे ज़्यादा आते हैं। ओके, देखते हो हर साल आते हैं, मानसून में भी आ जाते हैं, फिर उसके बाद ठंडियों में भी बारिश होती है। तो ऐसे याद रखना कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस चीज़ की हुई है, मेघ की हुई है, मेघों की हुई है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की जो वृद्धि है वो मेघालय में देखने को मिली है, फिर उसके बाद अरुणाचल। अरुणाचल को आंचल से याद रखिएगा कि माँ का आंचल सबसे तेज़ी से ग्रो करता है। आप कितने भी बड़े हो जाएं वो अपने अंदर खुद को समेट लेता है। फिर उसके बाद आते हैं बॉटम स्टेट में। तो ये है पांचों तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपके लिए ये दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, फिर बॉटम फाइव स्टेट यूनियन टेरिटरीज, बॉटम फाइव स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो सबसे कम ग्रोथ रेट कहाँ देखने को मिली है, तो ये याद रखिएगा कि नागालैंड में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली है। ठीक है, पिछले 10 सालों में वहाँ की जनसंख्या वृद्धि ऋण में रही है, ऋणात्मक रही है, नेगेटिव रही है। ओके, तो इसे कैसे याद रखोगे, जो नाग हैं, नागों की संख्या बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है। पहले इंसान कम थे तो नागों को ज़्यादा जगह मिल जाती थी, तो नाग अब धीरे धीरे बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। और फिर दूसरा है केरला। ठीक है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है नागालैंड को याद रखना कि सबसे कम ग्रोथ रेट या नेगेटिव ग्रोथ रेट भारत में किस राज्य में देखने को मिली है, नागालैंड में। तो टॉप फाइव क्लियर हो गया इंडिया के पर्सपेक्टिव में। भारत के पर्सपेक्टिव में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट मेघालय और सबसे कम ग्रोथ रेट नागालैंड। टॉप फाइव एंड बॉटम फाइव डिस्ट्रिक्ट इन ग्रोथ रेट। अब आते हैं मध्य प्रदेश में कि ग्रोथ रेट जिलेवार कहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे कम मिली है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट बनी बात है कहाँ देखने को मिलेगी, इंदौर, क्योंकि इंदौर की पॉपुलेशन सबसे तेज़ी से बढ़ी है। और बॉटम फाइव में सबसे कम ग्रोथ रेट अनूपपुर। तो अनूपपुर को कैसे याद रखेंगे, अभी हमारे पास सबसे बड़ा जो टारगेट है वो है जनसंख्या को कंट्रोल करना। अब जनसंख्या को कंट्रोल करना अपने आप में एक अनुपम काम है। अगर बोले कि हमने जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया, बहुत कम ग्रोथ रेट हुई है हमारे ज़िले में, तो रिप्लाई क्या रहेगा, वाह कितना अनुपम काम किया है। ठीक है, तो अनूपपुर से याद रखिएगा, अनूपपुर में सबसे कम ग्रोथ रेट देखने को मिली है। मैं ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ, बार बार टर्म्स को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब भी जनगणना के सवाल आते हैं तो ये टर्म्स में ही घुमाता है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट इंदौर की देखने को मिली है और सबसे कम ग्रोथ रेट अनूपपुर की। ज्योग्राफिकल एरिया में आते हैं, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र है। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में, मतलब
कि 1 किलोमीटर ऐसे ले लो, 1 किलोमीटर ऐसे ले लो, तो ये वाला जो एरिया है इसमें कितने लोग रह रहे हैं। तो इस तरीके से मान लो ये पूरा मध्य प्रदेश है, तो ये पूरे मध्य प्रदेश का जितना एरिया है, और एरिया को हम अगर कंपेयर करते हैं पॉपुलेशन के साथ, तो डिवाइड करने पर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली जाती है टोटल नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। सेकेंड, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ कंट्री इज 382। देश की जो जनसंख्या घनत्व है वो 2011 में 382 है, 2001 में ये 324 था, मतलब पूरे देश की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में 2011 का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 236 है, 236, इसको 236 से भी आप याद रख सकते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, जबकि 2001 में ये 196 था, तो 236, 40 अंकों की वृद्धि हुई है। तो आपसे 2011 का ही पूछेगा, 2001 में जाकर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो 2011 का याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो 2011 की जनसंख्या घनत्व की दर है वो 236 है, 236, 236, ओके। और भारत में 382, ठीक है, 382। पॉपुलेशन डेंसिटी इज 18 पॉइंट्स मोर इन इंडिया कंपेयर टू मध्य प्रदेश डेंसिटी ड्यूरिंग 10 डिकेट्स एज फॉलोज। वर्थलेस, कोई मतलब का नहीं है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में हमारे लिए सबसे ज़्यादा मतलब का जो था वो था भारत का क्या जनसंख्या घनत्व है और मध्य प्रदेश का क्या जनसंख्या घनत्व है। तो 382 भारत का है और मध्य प्रदेश का 236। टॉप 5 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज बाय पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो आते हैं दिल्ली पर। अब आप ये बताइए, दिल्ली राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश है? तो दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है। तो सबसे ज़्यादा किस यूनियन टेरिटरी में पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो है दिल्ली में। और किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, वो है बिहार में। पॉइंट क्लियर हो गया? तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। चूँकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है तो ये यूनियन टेरिटरी। लेकिन अगर सवाल में आता है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है भारत का, तो उसका आंसर हो जाएगा बिहार। हमारे लिए यही दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इसमें। टॉप 5 एंड बॉटम 5 डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन डेंसिटी। अब राज्य की बात करते हैं, मध्य प्रदेश राज्य की। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अच्छा एक बात बताओ, 100 लोग हैं लेकिन वो कम जगह में रह रहे हैं, और वही 100 लोग ज़्यादा जगह में रह रहे हैं, तो ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ होगा? जब जगह कम हो और लोग ज़्यादा हों, ठीक है। तो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास भोपाल। तो ये देखिए, चूँकि भोपाल एक छोटी सी जगह है और वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। लोग कैसे ज़्यादा रहते हैं? देखो, जितने भी नेता बनते हैं वो सब वहाँ आ जाते हैं, विधानसभा वहाँ पर है, और जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो सभी चाहते हैं कि राजधानी के पास रहें। तो भोपाल में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है, फिर दूसरे नंबर पर इंदौर में, ठीक है। अब देखो, इंदौर में जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या घनत्व दूसरे नंबर पर है। भोपाल में जनसंख्या कम है इंदौर की अपेक्षा, लेकिन चूंकि भोपाल छोटा है इंदौर से, तो भोपाल का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो गया। अब आते हैं बॉटम में। तो बॉटम में रायसेन, ओके। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि रायसेन? तो यहाँ के जो लोग हैं, जनसंख्या घनत्व यहाँ पर कम क्यों हो गया? पहले ज़्यादा था लेकिन लोगों ने राय लेनी शुरू कर दी और राय लेकर दूसरी जगह जाने लगे। तो अब जाने लगे जब, तो होगा क्या, जगह तो यहाँ पर उतनी ही है लेकिन लोग बाहर जाने लगे, तो राय लेकर जाने लगे, इसलिए रायसेन में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। पॉइंट क्लियर हुआ? सबसे कम कहाँ की पॉपुलेशन है? हरदा और उमरिया। लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ का है? वो है रायसेन का। डिस्ट्रिक्ट लेवल एनालिसिस कंसिडरिंग लिटरेसी रेट, ओके। कंसिडरिंग द लिटरेसी रेट बाय सेक्स, इंदौर डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाइएस्ट मेल लिटरेसी रेट,
अब लिटरेसी रेट पर आते हैं। लिटरेसी रेट का मतलब है 7 साल की उम्र से बड़ा जो भी व्यक्ति है और वो पढ़ना और लिखना, किसी एक भाषा में पढ़ना और लिखना जानता है, उसे हम लिटरेट कहते हैं। जब गवर्नमेंट इस बात की गणना करती है तो वो ये देखती है कि वो लोग स्कूल गए हैं कि नहीं, उन्हें आता है कि नहीं, टेस्ट नहीं लेती है, वो ये देखती है कि स्कूल गए हैं कि नहीं। तो इंदौर में सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी रेट है पूरे राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में। ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष पाए जाते हैं? तो वो है इंदौर। बात क्लियर हो गई। इंदौर क्यों? क्योंकि वहाँ पर सारे लड़के इंजीनियरिंग कर नौकरी करने चले जाते हैं, ऐसे याद रखना। तो मेल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है इंदौर में। लेकिन फीमेल लिटरेसी रेट कहाँ है सबसे ज़्यादा? फीमेल लिटरेसी रेट है भोपाल में। अब भोपाल में क्यों है? क्योंकि वहाँ पर विमेन के लिए अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सारी लड़कियाँ वहीं जाकर पढ़ती हैं। तो फीमेल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ, जो लड़कियों का लिटरेसी रेट है सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है? भोपाल में। और लड़कों का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा इंदौर में है। फिर बात आती है अलीराजपुर की। तो लोवेस्ट मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट ये अलीराजपुर में है, ठीक है? तो अलीराजपुर को आप इस तरीके से याद रखना कि अली हैं, अली साहब नहीं हैं पढ़े लिखे, ओके, ऐसे याद रख लेना। तो अलीराजपुर कि अली साहब राजा तो हैं लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अलीराजपुर में मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट दोनों सबसे कम हैं। फिर परसेंटेज डिकेट, ओके, डिकेडल डिक्लाइन रेट आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो मेल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंदौर में हैं, फीमेल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लिटरेसी रेट में भोपाल में हैं, और सबसे कम दोनों ही कैटेगरी में अलीराजपुर में हैं। देन प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन 0 to 6 एज ग्रुप। तो ये तो हो गई 7 साल से ऊपर की बात। अब करते हैं 0 to 6 की बात। तो 0 to 6 के जो बच्चे होते हैं उन्हें चिल्ड्रंस की कैटेगरी में डालकर उनकी जनगणना अलग से की जाती है, उनका कैलकुलेशन अलग से किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो बच्चों की जनसंख्या है इट डिक्लाइन शार्पली इन 2001 to 2011। 2001 की अपेक्षा 2011 में जो बच्चों की जनगणना की दर थी वो कम हुई है। इसका मतलब क्या है? पहले जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी लेकिन पिछले 10 साल में लोगों ने, पहले जहाँ 5 बच्चे होते थे अब वो लोग 2 बच्चे ही जनते हैं, ओके। तो मध्य प्रदेश में जो बच्चों की पॉपुलेशन है वो, उसकी ग्रोथ रेट कम हुई है। इंडिया में भी ये कम हुई है। तो ये अच्छा साइन है कि बुरा साइन है? ये अच्छा साइन है क्योंकि हमारे देश में जो जनसंख्या विस्फोट है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने आ रहा है, ठीक है? तो हो क्या रहा है, बच्चों की जो ग्रोथ रेट है जनसंख्या की वो कम हो रही है। टॉप 3 and bottom 5 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज बाय चाइल्ड पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट देखने को मिली है, सबसे ज़्यादा बच्चे किस राज्य में पैदा हुए हैं? तो सबसे पहले टॉप 3 उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। यहाँ पर पिछले 10 सालों में बच्चों की जनसंख्या सबसे तेज़ी से बढ़ी है और उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश आता है। बच्चे जब भी बोल रहा हूँ तो 0 to 6 के बच्चे, ओके। नाउ बॉटम 5 में सबसे कम जहाँ पर बच्चों की दर बढ़ी है, ओके, चिल्ड्रन ग्रोथ रेट सबसे कम कहाँ पर दर्ज हुई है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी? यूनियन टेरिटरी है। दमन एंड दीव, फिर अंडमान निकोबार, दादर एंड नागर हवेली और फिर सिक्किम। तो ऊपर के ये जो 4 आपको दिख रहे हैं ये 4 यूनियन टेरिटरीज हैं और एक इसमें स्टेट है सिक्किम। पॉइंट क्लियर हो गया। तो बच्चों की ग्रोथ रेट अगर हम देखें पूरे भारत में तो सबसे ज़्यादा बच्चों की ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर महाराष्ट्र में और फिर मध्य प्रदेश में। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उत्तर प्रदेश। सबसे कम बच्चों की ग्रोथ रेट, चिल्ड्रन ग्रोथ रेट लक्षद्वीप में, क्योंकि लक्षद्वीप वालों ने लक्ष्य बना लिया था कि हम कम से कम बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से याद रखिएगा कि बच्चों में सबसे कम ग्रोथ रेट लक्षद्वीप में देखने को मिली है। टॉप 5 and bottom 5 डिस्ट्रिक्ट
अब राज्य की बात करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा जो बच्चे जिस राज्य में पैदा हुए हैं ग्रोथ रेट वो है झाबुआ। झाबुआ को ऐसे याद रखना, आप झउआ जानते हो, हमारे गांव में टोकनी को झउआ बोलते हैं, ठीक है। तो झाबुआ में झउआ भर भर कर बच्चे पैदा हुए हैं पिछले 10 साल में, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है वो झाबुआ में देखी गई है। ओके, फिर उसके बाद सबसे कम ग्रोथ रेट बच्चों की, सबसे कम बच्चे कहाँ पर पैदा हुए हैं, जबलपुर में, वहाँ सरकार ने ज़बरदस्ती कम बच्चे पैदा करवाए हैं, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, ये सिर्फ मैं एक टेक्निक दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, कई सारे डिस्ट्रिक्ट और राज्य हो जाएंगे तो फिर कन्फ्यूज ना करें। तो ज़बरदस्ती बच्चों को कम करवाने का काम जबलपुर में हुआ, तो जबलपुर ज़बरदस्ती और झउआ झाबुआ। तो बच्चों की सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किस राज्य में, किस ज़िले में देखने को मिली है, मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ, और सबसे कम जबलपुर। सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो क्या होता है, सेक्स रेशियो 1000 मेल्स में फीमेल्स की संख्या कितनी है। भाई अब फीमेल्स भी हो सकता था 1000 फीमेल में मेल की, लेकिन यह हमारी गलत सोच है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है तो वो आधार किसे बनाएगा, पुरुषों को। तो सेक्स रेशियो जब हम देखते हैं तो 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, ये सेक्स रेशियो है। जेंडर कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, हाँ यहाँ पर देखो, ये 2001 का और ये 2011 का सेंसस है। तो जेंडर कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इंडिया एंड मध्य प्रदेश, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में जो मेल्स हैं 2001 में जो पुरुष थे वो 51.5% थे और 48.5% महिलाएं थी। 2011 में वही नंबर है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में पहले जितने पुरुष थे उनकी अपेक्षा 2001 में जितने पुरुष थे और महिलाएं, उनकी अपेक्षा 2011 में पुरुष और महिलाओं में एक बैलेंस देखने को मिला है, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन, जो हमारी सॉरी सेक्स रेशियो है, तो 2001 में भारत का सेक्स रेशियो था 933, मतलब 2001 में 1000 पर 933 महिलाएं थीं, लेकिन 2011 में भारत में 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे दे देगा भारत का वर्तमान सेक्स रेशियो क्या है, आपको याद रखना है 940, ठीक है। तो 940, 9 से 9 से ना, 40 से चा, तो नाच से याद रखना कि भारत का जो सेक्स रेशियो है वो नाच रहा है 940, तो ना चा जीरो, लास्ट में जीरो रहेगा। मध्य प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है वो 930 है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य है तो राज्य से हमारा नाता है, तो नाता से याद रखना, ना से नौ, तीन से ता, तो नाता 930। ओके, तो बताओ मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो नाता 930 और भारत का सेक्स रेशियो नाच 940। टॉप फाइव एंड बॉटम फाइव स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन सेक्स रेशियो। पूरे भारत की अब बात करें तो भारत में जो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो देखने को मिला है वो मिला है केरल में। ओके, तो केरल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पूरा कम्युनिटी पर फोकस करती है, तो उनका बड़ा फोकस रहता है कि लड़कियों को बराबरी से एक बैलेंस बना रहे पूरे कम्युनिटी में। तो केरला में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो देखने को मिला है और ये वहाँ पर 1000 पुरुषों में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं केरला में। फिर पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, तो अगर सवाल आ जाता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है तो जवाब होगा केरल। लेकिन अगर सवाल आ जाता है कि किस यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, तो वो होगा पुदुचेरी। अब आते हैं बॉटम फाइव, जहाँ पर सबसे कम देखने को मिला है, तो दमन एंड दीव। अब दमन एंड दीव को कैसे याद रखोगे, सबसे कम सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो कम मतलब लड़कियाँ कम, लड़कियाँ माँ के रूप में भी होती हैं, उन्हें हम देवी भी कहते हैं, तो दमन एंड दीव, दीव देवी से याद रखना, ठीक है, कि वहाँ पर देवियाँ कम हो गई हैं, सेक्स रेशियो कम है,
ठीक है, तो कम की बात मतलब देवी कम हो गई है, देवियों का दमन हो रहा है। कहाँ देवियों का दमन हो रहा है? दमन देव में। तो सबसे कम सेक्स रेशियो दमन देव में है। ओके, तो ये पांचों की पांचों जगह यूनियन टेरिटरीज हैं, दमन दीव, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड अंडमान निकोबार। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है तीन चीज़ों को याद रखना। एक तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है सेक्स रेशियो? केरल में। सबसे ज़्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश का सेक्स रेशियो है? पुद्दुचेरी। और सबसे कम कहाँ का सेक्स रेशियो है? दमन दीव। टॉप फाइव एंड बॉटम फाइव डिस्ट्रिक्ट बाय सेक्स रेशियो। अब आ जाते हैं राज्य में, राज्य के सेक्स रेशियो की बात करें तो बालाघाट, बालाघाट में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है। बाला से याद रखना, यहाँ बालिकाओं को कहते हैं ना, बाला, बालक, बाला, तो सबसे ज़्यादा बाला कहाँ पर हैं? बालाघाट में। तो सबसे अच्छा सेक्स रेशियो अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश राज्य में किस जिले का है? बालाघाट का। उसके बाद सबसे कम भिंड में। ठीक है, तो वो लोग आपस में ही भिड़े रहते हैं, ठीक है, कि लड़की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो भिड़ जाते हैं वो लोग आपस में ही, और भ्रूण हत्या को प्रोत्साहित करते हैं। तो भिंड से याद रखना, भिंड में सबसे कम सेक्स रेशियो है, याद रहेगा। तो बताओ, बालाघाट में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो, सबसे कम सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश राज्य में किस जिले का है? सबसे कम सेक्स रेशियो है भिंड जिले का। ओके, नाउ चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात आ गई। अभी तक सेक्स रेशियो था, अब जहाँ चाइल्ड आ गया वहाँ जीरो से छः साल तक की बात आ गई। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जीरो से छः साल तक के सेक्स रेशियो का होता है, मतलब जीरो से छः साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें। तो अगर मैं बोलूँ कि चाइल्ड सेक्स रेशियो का क्या मतलब है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब है कि जितने बच्चे पैदा हुए, तो 1000 पुरुष बच्चों में जो कि शून्य से छः साल के हैं, मतलब एक दिन से लेकर छः साल तक के 1000 बच्चों में कितनी बच्चियाँ हैं, 1000 लड़कों में कितनी लड़कियाँ हैं जीरो से छः साल तक की, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में टॉप फाइव स्टेट पर आते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों की बात हो रही है तो मिजोरम, मिजोरम में सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो है, सबसे कम है हरियाणा में। तो आपने सुना होगा कि हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, हरित क्रांति आ गया, और लोगों के पास पैसा आ गया। लोगों के पास पैसा था, लेकिन वो थे तो कहीं ना कहीं इतने पढ़े लिखे नहीं, खेती कर कर आया ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, किसानी करते थे, तो उनके पास पैसा आया। तो हरियाणा में क्या हुआ कि हरियाणा में लोगों के पास पैसा आया और उन्होंने कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या को प्रोत्साहित किया। तो सबसे कम सेक्स रेशियो देश में किस राज्य का है? हरियाणा का। और सबसे ज़्यादा मिजोरम, मिजोरम को कैसे याद रखोगे? मजे से याद रखना कि उनके यहाँ बच्चे आते हैं तो वो लोग मज़े में रहते हैं, मतलब कोई भी आ जाए उन्हें मतलब नहीं है इससे। तो मज़े से याद रखना कि वो लोग बच्चों के आने पर मज़ा मनाते हैं, मस्ती करते हैं, तो चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो, सबसे अच्छा सेक्स रेशियो मिज़ोरम का है, और सबसे कम सेक्स रेशियो, बच्चों की बात कर रहा हूँ, जीरो से छः साल तक की, हरियाणा का है। टॉप फाइव एंड बॉटम फाइव डिस्ट्रिक्ट, अब जिले पर आ जाते हैं, कहाँ के जिले? मध्य प्रदेश के जिले। तो बच्चों में देखो, बच्चों में सबसे अच्छा सेक्स रेशियो है अलीराजपुर का, बड़ों में किसका था? बालाघाट का। यहाँ पर किसका है जीरो से छः साल तक में? अलीराजपुर का। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है देखो कि बच्चे तो पैदा होते हैं अलीराजपुर में, लेकिन वो छः साल तक के बाद वो फिर मर जाते हैं, मतलब वो बड़े नहीं हो पाते। बालाघाट में सेक्स रेशियो टॉप पर नहीं है, लेकिन वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी ठीक ठाक है, तो अलीराजपुर। अब हमारा चैलेंज है कि अलीराजपुर को याद कैसे रखेंगे? तो हम बात किसकी कर रहे हैं? बच्चों की। और बच्चों के अंदर भगवान होता है, अल्लाह होता है, तो ऐसे याद रखिएगा कि बच्चों के अंदर अल्लाह होता है, और अल्लाह को कभी, अल्लाह को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ भाई भगवान के लिए। तो आप किसी भी धर्म के हों, लेकिन अभी तो फैक्ट याद कर लो यार, तो अल्लाह से याद रखिएगा अलीराजपुर। तो बच्चों का जो सेक्स रेशियो है सबसे अच्छा मध्य प्रदेश राज्य में, वो अलीराजपुर का है। लेकिन सबसे कम सेक्स रेशियो जो बच्चों में मध्य प्रदेश राज्य का है, वो मुरैना। ठीक है, मुरैना को मारने से याद रख सकते हैं कि वहाँ मार दिए जाते हैं, मध्य प्रदेश में मार दिए जाते हैं, तो मरना, ठीक है, तो वहाँ बच्चे मर जाते हैं।
तो सबसे अनबैलेंस सेक्स रेशियो जो है, बच्चियां वहां पर मर जाती हैं। तो मरने से याद रखना, मुरैना। तो अब बताओ, सबसे कम सेक्स रेशियो बच्चों का मध्य प्रदेश में, मुरैना। सबसे अच्छा सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में, अलीराजपुर, बच्चों का। और अगर मैं सिर्फ सेक्स रेशियो की बात करता हूँ तो मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा सेक्स रेशियो किस जिले का है, बालाघाट। और सबसे कम सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में भिंड का, भिड़ जाते हैं ना, ऐसे याद किया था। बच्चों के केस में मार दिए जाते हैं, मुरैना सबसे कम। अब आते हैं टॉप 5 स्टेट यूनियन टेरिटरीज बाय लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब पढ़े लिखे। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं वो पाए जाते हैं केरला में। सबसे अच्छा लिटरेसी रेट है केरला में, ओके। फिर उसके बाद सबसे कम, अब देखो लिटरेसी रेट मतलब पर्सन, और फिर उसके बाद और कौन, सिर्फ मेल और फिर फीमेल। तो इस तरीके से आपको तीन कॉलम दिख रहे हैं। तो इंडिया में सबसे पहले लिटरेसी रेट पर्सन का, फिर उसके बाद लिटरेसी रेट मेल का, फिर उसके बाद फीमेल का। तो जो केरला है, केरला में सबसे अच्छा लिटरेसी रेट है। पुरुषों के मामले में भी केरला में पुरुषों के मामले में केरला का लिटरेसी रेट अच्छा नहीं है, महिलाओं के मामले में नंबर वन है। तो लिटरेसी रेट सबसे अच्छा है केरला का, उसके बाद फिर लक्षद्वीप का। लेकिन अगर मैं सिर्फ पुरुषों की बात करूं तो पुरुषों ने लक्ष्य बना लिया था पढ़ने का, तो लक्षद्वीप में सबसे अच्छा लिटरेसी रेट है पुरुषों का, महिलाओं का नहीं, पुरुषों का। लेकिन महिलाओं ने पढ़ने का जो एक एम बनाया था वो केरला में बनाया था, क्योंकि केरला गवर्नमेंट महिलाओं की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है। तो अगर आ जाता है कि लिटरेसी रेट सबसे अच्छा कहाँ का है, केरला का, पुरुषों में सबसे अच्छा कहाँ का है, लक्षद्वीप का, महिलाओं में सबसे अच्छा कहाँ का है, फिर से केरला का। नाउ बॉटम में आ जाते हैं, बॉटम में सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ के हैं, बिहार के। पुरुषों में सबसे कम कहाँ के पढ़े लिखे हैं, बिहार के। और महिलाओं में राजस्थान के। राजस्थान में आज भी कहीं ना कहीं वो राजपूताना एरिया, वो महिलाओं को इतना प्रोत्साहन नहीं देता। तो ये बात याद रखना कि सबसे कम जो सेक्स रेशियो सबसे कम है वो हरियाणा का है, लेकिन सबसे कम महिलाएं जो हैं पढ़ी लिखी वो राजस्थान में। पुरुष सबसे कम कहाँ पढ़े लिखे हैं, बिहार में। और पूरे अगर कंबाइंड रूप से देखा जाए तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार में। तो लिटरेसी रेट आता है, सबसे कम लिटरेसी रेट किस राज्य का है, बिहार का। पुरुषों में सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार का, लेकिन महिलाओं में सबसे कम लिटरेसी रेट राजस्थान का। तो राजस्थान में ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है बिहार की अपेक्षा। 5 टॉप स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज बाय लिटरेसी रेट इन MP। मध्य प्रदेश में देखो, मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो जबलपुर में हैं। अब जबलपुर में क्या है, देखो पॉपुलेशन के हिसाब से तो इंदौर नंबर वन है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ होते हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ काम मिल जाता है। जबलपुर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, क्लियर हुआ। तो वहाँ ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं भाई कि आप जाओ पढ़ो, जाओ पढ़ो, ठीक है। तो जबलपुर, तो अगर आ जाता है कि सबसे बढ़िया लिटरेसी रेट मध्य प्रदेश में किस जिले का है, जबलपुर का। लेकिन अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों का सबसे अच्छा लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे कहाँ पर हैं, वो इंदौर में। क्यों है, ये हमारी बात हो गई। और महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कहाँ पर हैं, भोपाल में। तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जबलपुर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अगर सिर्फ पुरुषों की तुलना करें तो पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष इंदौर में पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या महिलाओं की पढ़ी लिखी भोपाल में पाई जाती है। फिर ये तो टॉप 5 की बात हो गई, बॉटम 5 पर आते हैं। अब बॉटम 5 पर आ जाओ, फिर से अलीराजपुर। तो हमने देखा था कि अली राजा तो है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग अलीराजपुर में हैं। पुरुषों में सबसे कम पढ़े लिखे अलीराजपुर में, महिलाओं में भी अलीराजपुर में। तो सबसे कम लिटरेसी रेट मध्य प्रदेश में किस राज्य का है, अलीराजपुर का है, ठीक है। ये बाकी डेटाज हैं, आप देख सकते हो। मैं सिर्फ एग्ज़ाम को फोकस कर पॉइंट याद करवाता जा रहा हूँ और बताता जा रहा हूँ। फिर उसके बाद 5 बॉटम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज,
बिहार, बिहार राजस्थान, ये बात हो गई थी हमारी बॉटम सबसे कम पढ़े लिखे। डिस्ट्रिक्ट लेवल एनालिसिस भी हो गई, लिटरेसी रेट बाय सेक्स, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, भोपाल डिस्ट्रिक्ट में फीमेल हैं, अलीराजपुर में कम हैं। अब ये कुछ एक पॉइंट है जो कि अब सेंसस दो प्रकार का था, ये जो लेटेस्ट है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि आप ये अब जो फैक्ट पढ़ा रहा हूँ ये सारे ऑथेंटिक हैं, ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा है ये, ओके। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल श्योर शॉट। किसी और किताब में कुछ और मिलता है मत परेशान होना, इसी को बेस मानना। तो यहाँ पर कुछ एक मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन है। रीवा हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ रूरल पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा ग्रामीण पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है? रीवा में, ठीक है। तो रीवा, रीवा से याद रहेगा, रीवा के लोग हर जगह पाए जाते हैं, तो वहाँ पर गांव के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टेट की रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रीवा में है, रीवा के बाद धार में है, धार के बाद सतना, ठीक। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन, शहरी जनसंख्या इंदौर में है, बनी बात है, क्यों है आपको पता है, इंदौर के बाद भोपाल और जबलपुर, क्योंकि सभी लोग इंदौर जा रहे हैं, वो हाईटेक सिटी बनता जा रहा है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है मध्य प्रदेश में वर्तमान में 236 से याद किया था हमने, ठीक है। भोपाल में सबसे ज़्यादा, भोपाल टर्न आउट टू बी द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, भोपाल में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। तो अगर आ जाए कि किस जिले की जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, भोपाल का, ओके। फिर इसके बाद, फिर इसके बाद है इंदौर का, और फिर उसके बाद जबलपुर का। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी डिंडोरी का। अब देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हुई थी, जनसंख्या घनत्व की, तो अभी पहले एक जगह अलीराजपुर, वो रायसेन का आया था कि रायसेन, तो वहाँ पर वो वाला जो डेटा था वो इनिशियल स्टेट का था। तो आपको क्या याद रखना है, रायसेन और डिंडोरी दोनों ऑप्शन में नहीं देगा। तो मैंने रायसेन और डिंडोरी दोनों इसलिए बताया है कि दोनों अगर ऑप्शन में आता है तो आपको डिंडोरी के साथ जाना है, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट का, ये अलग अलग दो अलग अलग वेबसाइट गवर्नमेंट की हैं, तो उसमें जो फाइनल डेटा है वो डिंडोरी दिया है, पर हो सकता है चूँकि एमपीपीएससी फैक्ट के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो डिंडोरी याद रखना। तो मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी डिंडोरी कैसे याद रखोगे, सबसे कम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी का है, क्योंकि वहाँ से डंडा मारकर लोगों को भगा दिया गया है, ठीक है, डंडा मारकर लोगों को भगा दिया गया है। तो डिंडोरी का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। फिर उसके बाद शिवपुर वगैरह तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, भोपाल का, सबसे कम डिंडोरी का है। मध्य प्रदेश में रूरल पॉपुलेशन 72.4% है। There has been an increase, okay, ये important नहीं है, 2001 का भी important नहीं है। Sex ratio, तो sex ratio पर आते हैं, 2001 का बिल्कुल important नहीं है, 2011 का important है, 943। तो the sex ratio of country, country का sex ratio क्या है, 943, fine। और rural sex ratio अलग से आपसे नहीं पूछेगा। तो आपको कंट्री का सेक्स रेशियो याद रखना है कि इंडिया का सेक्स रेशियो है 943। इसे कैसे याद रखोगे कि 3, 4, 9, ठीक, 943, लास्ट में 4 और 3 याद रखना, क्योंकि 99 तो सब में दिया रहेगा, वो दे देगा 972, 9 ऐसा 9 वैसा, तो 9 सब में दिया रहेगा, लास्ट में 43, 4 और 3 याद रखना है, ठीक है। फिर सेक्स रेशियो ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है वो 2001 में 919 था, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्तमान का बहुत इम्पॉर्टेंट है, 931। तो वहाँ पर 940 और 930 था इसके पहले। तो ये वाला जो डेटा है ना, ये आपका फाइनल डेटा है, ये फाइनल डेटा मतलब 2013 में जो गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन के बाद निकाला है। तो अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो है वो है 931, 931, लास्ट में 3 और 1, और अगर भारत की बात होती है तो 4 और 3, ओके। नाउ फिर रूरल सेक्स रेशियो पर आ जाते हैं। तो रूरल सेक्स रेशियो कहाँ का क्या इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ का है, बालाघाट का, ये हमने याद कर लिया है, ओके। नाउ लोवेस्ट सेक्स रेशियो भिंड का है, सेक्स रेशियो याद आया, भिड़ जाते हैं, तो ये भिड़ जाते हैं, ये किसका सेक्स रेशियो है, चाइल्ड, सॉरी, लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन रूरल एरियाज, ओके। तो अगर ग्रामीण जनसंख्या का देखा जाए, हालांकि एमपीपीएससी इतने डेप्थ में जाएगी नहीं, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से ये समझ लेते हैं
कि बालाघाट में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है और भिंड में जो सेक्स रेशियो है वो सबसे कम है, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो में मध्य प्रदेश में सबसे कम सेक्स रेशियो चिल्ड्रंस का मुरैना में है और फिर उसके बाद अलीराजपुर। तो आप कुल सबसे कम मुरैना में याद रखना है, चाइल्ड सेक्स रेशियो मरने से हमने याद रखा था। शेड्यूल कास्ट एससी पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश में जो टोटल शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है 2011 की, वो उसके अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट प्रपोर्शन उज्जैन में है और सबसे कम झाबुआ में है। झाबुआ याद रहेगा, झउआ झाबुआ, शेड्यूल कास्ट थोड़ा गांव टाइप का, उज्जैन उजाला उभरता हुआ डिस्ट्रिक्ट। तो शेड्यूल कास्ट एससी, एससी लोग कहाँ सबसे ज़्यादा हैं, उज्जैन में, और सबसे कम झाबुआ में। शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है वो अलीराजपुर में है और सबसे कम भिंड में है। तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब एसटी। अच्छा, आपको पता है जो शेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल ट्राइब मतलब जो जंगलों में रहते हैं, तो एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, अलीराजपुर में, जंगल में रह रहे हैं, खुद को अल्लाह के भरोसे छोड़े हुए हैं। सबसे कम कहाँ है, भिंड में, शहर वाले और जंगल वाले लड़ जाते हैं, तो भिंड में सबसे कम है एसटी पॉपुलेशन। एससी की बात करें, एससी की पॉपुलेशन जस्ट अभी ऊपर बताया, कहाँ पर है एससी सबसे ज़्यादा, उज्जैन में, और सबसे कम झाबुआ में। शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, ये बात हो गई हमारी, मध्य प्रदेश शेड्यूल पॉपुलेशन, ओके, मध्य प्रदेश हाईएस्ट, ओके, इन मध्य प्रदेश द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एसटी पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन इज रिकॉर्डेड इन अलीराजपुर एंड भिंड। मेल लिटरेसी रेट, मेल लिटरेसी रेट क्लियर हो गया, सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी, द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज। ये मुझे नहीं लगता कि ये रूरल एरियाज और अर्बन का अलग अलग पूछेगा, लेकिन फिर भी हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं। तो मेल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है रूरल एरिया में भिंड का, और सबसे कम है अलीराजपुर का। अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है टीकमगढ़, सबसे कम है टीकमगढ़ का और सबसे ज़्यादा है सिवनी का। फीमेल लिटरेसी रेट पर आते हैं, मेल लिटरेसी रेट ऊपर था, तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, एक तो मेल और फीमेल, मेल में भी फिर रूरल और मेल में अर्बन, ओके। तो इसको इस तरीके से अगर आप लोग जब बनाएंगे नोट्स तो इस तरीके से बना लेना कि मेल और फीमेल और यहाँ पर रूरल और अर्बन, फाइन। तो हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट रूरल एरिया में भिंड का है, ये आ गया भिंड, जबकि सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ का है, अलीराजपुर का। फीमेल लिटरेसी रेट, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट बालाघाट का है, लोवेस्ट अलीराजपुर का है। अर्बन लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट शिवपुर का है, नहीं, सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट, तो लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट शिवपुर का है और हाईएस्ट सिवनी का है। तो देखो लिटरेसी रेट इसलिए याद कर कर जाना डेफ्थ में, क्योंकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ है और सेंसस में ये टॉपिक उठाकर वो दे सकते हैं, ओके ओके। तो एक बार इसको जरूर फिर से एक बार देख लेते हैं। मेल लिटरेसी रेट मतलब पुरुष, मध्य प्रदेश में पुरुषों की पढ़ी लिखी जनसंख्या अगर हम देखें तो रूरल एरियाज़ में, गांव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भिंड में हैं। गांव में क्या होता है, पढ़े लिखे लोग भी आपस में भिड़ जाते हैं, तो भिंड में, और सबसे कम अलीराजपुर में है, तो अलीराजपुर में पढ़े लिखे लोग गांव में सबसे कम हैं। फिर अर्बन एरिया शहर में आ जाते हैं, तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग शहर में टीकमगढ़ में, देखो गाँव शहरों में लोग टीका लगा कर निकलते हैं, जैसे भगवान उनकी मदद कर देगा, सब उनकी रक्षा करेंगे, ठीक है, भले उनका व्यवहार एकदम ख़राब हो, तो शहर में टीका लगा कर लोग निकलते हैं, वो लोग अनपढ़ होते हैं। तो डोंट टेक इट एज एन ऑफेंसिव वे, ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्निंग दीज फैक्ट्स। तो अर्बन एरियाज़ में लोवेस्ट मेल लिटरेसी रेट टीकमगढ़ में और हाईएस्ट सिवनी में है, ठीक है। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सिवा की तरफ फोकस रहते हैं, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ फीमेल पर आते हैं, फीमेल में मध्य प्रदेश में जो हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है वो रूरल एरियाज़ में बालाघाट का है, और
सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो है अलीराजपुर का। तो बालाओं से याद रखोगे, गांव में बालिकाओं को बहुत माना जाता है, तो रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा फीमेल पढ़ी लिखी हैं बालाघाट में और सबसे कम अलीराजपुर में। शहरों पर आ जाते हैं तो शहरों में जो सबसे कम पढ़ी लिखी हैं वो शिवपुर में हैं। शिवपुर में क्यों? इसको ऐसे याद रखो कि वो सजावट में ज़्यादा ध्यान देती हैं। ओके, तो सजावट में ज़्यादा ध्यान देती हैं, पढ़ती लिखती नहीं हैं। तो शिवपुर में सबसे कम शहरों में पढ़ी लिखी हैं, लेकिन सिवनी में सबसे ज़्यादा शहरों में पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा पूरा सेंसस का डेटा। अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसे भी कवर कर दूंगा, या आपको इन्फॉर्मेशन अगर डाल देंगे तो मैं उसे पिंड मैसेज में डाल दूंगा जिससे वो बाकियों तक पहुंच सके। थैंक यू कि आपने अपना प्रेस्टिजियस टाइम देकर मुझे सुना। कोई भी क्यूरी होती है या कोई भी सजेशन होता है तो आप कमेंट सेक्शन या मेल में मुझे भेज सकते हैं। प्लीज़ शेयर जरूर करें अपने सोशल मीडिया में ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन है, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कोई भी मैं लेक्चर डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपको जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर द डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।